हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं कैसे स्टॉक लेके आए जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और स्टॉक की हम अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर देखें तो स्टॉक में हम लगभग 15% की हमें जंप दिखाई दिया था। दोस्तों स्टॉक शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अच्छा है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आएगा लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं डेली बेसिस पर कुछ ऐसे ही स्टॉक लेके आता हूँ जो कि आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो दोस्तों हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं महानगर गैस लिमिटेड की रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की देखें तो लगभग यहाँ पे 14% का हमें रफली हमें जंप दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पे पिछले वन मंथ की अगर चार्ट पैटर्न देखें तो पिछले वन मंथ में भी इस स्टॉक में हमें लगभग 30% का हमें रफली रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बोला जा सकता है। पिछले सिक्स मंथ की बात करें तो पिछले सिक्स मंथ में लगभग इस स्टॉक में हमें 10% का हमें रफली रिटर्न दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले फाइव ईयर की बात करें तो आप देख सकते हो पिछले फाइव ईयर में स्टॉक में लगभग 100+ का हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका मैक्सिमम डे की चार्ट पैटर्न है दोस्तों, स्टॉक यहाँ पे 2016 से ही उसी सारे यहाँ पे लिस्टेड हुआ था और वहाँ से हमें यहाँ पे मैक्सिमम डे की चार्ट पैटर्न में शो हो रहा है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमें लगभग वहीं 100% के अराउंड में हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम इसका एक इम्पोर्टेंस सपोर्ट लेवल की बात करेंगे, उससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे NSE की साइड पर। तो यहाँ पर अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो दोस्तों जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ के हम नाम शो करेंगे। दोस्तों मैं इसी स्टॉक की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो यहाँ पे जो हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है लगभग यहाँ पे 24% का हमें डिलीवरी देखने को मिला था, क्योंकि स्टॉक उसने बहुत अच्छा था जंप दिखाया था दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 52 एक लो की बात करें तो लगभग 663 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था जब देश में कोरोना का सिचुएशन आया था, लॉकडाउन हुआ था। हालांकि इसका 52 के हाई की बात करें तो दोस्तों तो स्टॉक लगभग यहाँ पे 1246 का इसने हाई बनाया था, जो कि यहाँ पे जैन में इसी साल दोस्तों हाई बनाया था। स्टॉक फिर से इस हाई को टच करने के लिए एकदम से रेडी है दोस्तों, तो आप चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना सकते हो। अगर इसका मैं फेस वैल्यू की बात करें तो स्टॉक का फेस वैल्यू में 10 रुपये देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूँगा इस स्टॉक का सेप्टेम्बर क्वार्टर के रिजल्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो सेप्टेम्बर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट में जबरदस्त तरीके से जंप दिखाया कंपनी ने अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर। आप देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूँगा इस स्टॉक से रिलेटेड डिविडेंड का। तो यहाँ पे अभी तक दो बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है इस साल 2020 में। फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो कि 9.5% दिया था कंपनी ने, उसके बाद में यहाँ पे फिर से अगेन यहाँ पे एक और बार डिविडेंड यहाँ पे दिया है कंपनी ने, जो कि यहाँ पे सबसे पहले एक एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था जो कि सितंबर में, वहाँ से स्टॉक में 10.5% डिविडेंड दिया था। उसके बाद से कंपनी ने फिर एक स्पेशल डिविडेंड दिया जो कि 15 रुपया प्रति शेयर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब मैं बात करूँगा इस स्टॉक में कितना प्रमोटर की होल्डिंग है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30% से अधिक होल्डिंग है दोस्तों प्रमोटर का। क्या इस स्टॉक में प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है दोस्तों? यहाँ पे कोई शेयर दोस्तों प्लेस नहीं है प्रमोटर का। आप देख सकते हो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। मैं हमेशा अगर मैं इस सेक्टर की हम बात करें तो हमें सबसे पहले एक तो हमें IGL अच्छा लगता है दोस्तों, उसके बाद में ये स्टॉक भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है जिसका हम एनालिसिस आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद से फिर एक स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस स्टॉक का मैं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज बुलिश, क्या बात है दोस्तों। टेक्निकल इंडिकेटर ये भी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज क्रॉस वर्ड ये भी हमें इंडिकेटर बुलिश देखने को मिल रहा है। तीनों दोस्तों इंडिकेटर यहाँ पे हमें वेरी बुलिश देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। अब मैं इस स्टॉक का कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते थे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वैल्यूएशन, तब देख सकते हो स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,500+ का है, जो कि इंडस्ट्री का पी रेशियो का हम देखे थे यहाँ पे 16.48 है, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से थोड़ा सा हाई हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, यहाँ पर भी हमें 10 रुपये देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूँगा इसका इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों सेप्टेम्बर क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट है। तो आप देख सकते हो सेप्टेम्बर में अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर सेल्स में जबरदस्त तरीके से जंप, लगभग 100% से अबव का जंप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
वहीं यहाँ पर देखें तो नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट में बहुत ही जबरदस्त तरीके का जंप है। अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर आप देख सकते हो कंपनी ने किस तरीके से नेट प्रॉफिट शो किया है, जिसको वजह से इस स्टॉक का शेयर प्राइस में हमें जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी इस साल कंपनी ने जबरदस्त तरीके से क्रिएट किया है, मैं आप स्टार्ट देना चाहूंगा। और यहाँ पे डेप्ट की बात करें तो लगभग कंपनी डेप्ट फ्री हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डेप्ट है इसके पास। अगर मैं अदर लायबिलिटी की बात करें तो 228 का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे रेंट लायबिलिटी लगभग 1000 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों करोड़ों में। अब मैं बात करूँगा इसका फिक्स एसेट से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कंपनी के पास फिक्स एसेट ईयर बाई ईयर डे बाई डे यहाँ पे कंपनी फिक्स एसेट में इंक्रीज कर रहा है, डे बाई डे यहाँ पे कंपनी इंक्रीज होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टॉक हमें अच्छा, अब मैं बात करूँगा इसका लिक्विडिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिक्कत लग रही है कैश फ्लो में, जो कि यहाँ पे नेगेटिव में कंपनी ने शो किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या इस स्टॉक में शेयर होल्डर का होल्डिंग है, एफ आई की होल्डिंग है, सॉरी यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, एफ आई की होल्डिंग है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रमोटर का होल्डिंग जो 30% अभाव है, और दोस्तों कोई शेयर यहाँ पे प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे बात करेंगे एफ आई की होल्डिंग, तो यहाँ पे अच्छा खासा एफ आई की होल्डिंग है। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.22 की होल्डिंग है दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी का भी लगभग 12% की होल्डिंग है, बहुत ही अच्छा खासा बोला जा सकता है। म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे होल्डिंग है दोस्तों, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अदर डे की बात करते लगभग 12% से अधिक होल्डिंग है, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का भी लगभग 10% की होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो कुल मिला जुला कि अगर शेयर होल्डर का पैटर्न देखें तो हमें अच्छा लगा दोस्तों। अब मैं बात करूँगा इस स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का, क्या स्टॉक फिर से अपने जो इसका हाई प्राइस था, जो हम यहाँ पे देखा था जो इसका पीरियडिक हाई था लगभग 1246.20 का, क्या इसको एक बार टच करेगा? डेफिनेटली दोस्तों इस स्टॉक में हमें फिर से अपने हाई को क्रॉस करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस स्टॉक में हमें पिछले 1 मंथ में हमें जंप दिखाई दिया है, डेफिनेटली दोस्तों आने वाले दिनों में स्टॉक 1200 क्रॉस करके एक बार फिर से आगे की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का, तो जो कि हमने देखा था वहाँ पे, अगर इसका 897.40 का, लेकिन इस प्राइस से यहाँ का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये काफ़ी नीचे का है, हमें नहीं फिर से शायद हमें देखने को मिल सकता है ये स्टॉक लेवल। अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है तो दोस्तों ये स्टॉक हमें फिर से 950 का अप्रोक्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 1 साल या 2 साल के लिए है, तो स्टॉक आपके लिए अच्छा खासा साबित हो सकता है, तब चाहो तो इस स्टॉक पर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियो आएगा लेटेस्ट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।